असलम फ्रेंड्स मैं हूं ऊस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अल्मा टेक एंड बिजनस अब कल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनास से लेकर अदर तमाम क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जो यहां पर मसाइल मार्केट में मुसलसल पैदा होते चले जा रहे हैं और उन्हें लेकर हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है क्योंकि ऑलरेडी हम इसी शक व शुबात का शिकार हैं यानी कि कहीं ये एक्सचेंज यहाँ पर बैंक तो नहीं हो गई लेकिन असल में ऐसा होता कुछ नहीं है बिहाइंड द स्क्रीन क्या ऐसी रीज़न बनती हैं जिसकी वजह से हमें हमारी एप्लीकेशन कुछ ऐसा बिहेव करती हुई दिखाई देती है कि हम यहाँ पर पैनिक कर जाते हैं और कुछ दोस्तों के साथ ये इतफाक़ बड़े खुशगवार हो रहे हैं और 80 परसेंट के साथ तो बड़े ही भयानक तो गाय से इससे हम क्या कहेंगे इस पर मैं आपको ब्रीफिंग दूंगा यानी कि ये है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस का बग और यह बग कौन कौन से मसाइल यहाँ पर शो कर रहा है यकीन आपको भी इन प्रॉब्लम का सामना हो रहा है या फ्यूचर में हो सकता है लेकिन इन दोनों रीजन की बेस पे अगर आप ये समझेंगे कि आप जिस एक्सचेंज पे भी काम कर रहे हैं वो यहाँ पर उड़ गई है या उड़ने वाली है तो ये आपकी गलत फहमी होगी लिहाजा वीडियो को टेक्निकल एतबार से आप फॉलो कीजिएगा तमाम जो प्रॉब्लम है उनका जो सोल्यूशन है मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ तो आपने क्या करना है वीडियो को करना है लाइक चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता हो तो वेलाइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी दोस्तों क्लिक कर दीजिएगा गाइस बाइनास से लेकर अदर तमाम एक्सचेंजेस में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जहां पर आपका अपना नाम शो हुआ करता है या था वहां पर आपको कुछ नंबर दिखाई देने लग जाते हैं ठीक है जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन वाली जगह पर आपका नाम जैसे कि मेरा नाम उस्मान है तो वहां पर उस्मान शो होने की बजाय कुछ कोडिंग आनी शुरू हो जाती है तो यहाँ पर लोगों को एक गलत फहमी फ़ौर हो जाती है कि भाई मेरा जो अकाउंट है या तो वो उड़ गया है ठीक है मुझे यहाँ पे कोई ऐसी फौरी कार्रवाई करनी चाहिए वरना कुछ ही देर में मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो जाएगा हैक के ज़िमरे में ये सोच चली जाती है और फिर हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ई मेल्स होती हैं अच्छा आपको एक और बात बता दूँ कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इसका सोलूशन मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा और सोलूशन सिर्फ़ होगा एक सो so गैस एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जहां पर आपकी वेरिफिकेशन की जगह पर आपका नाम लिखा आ रहा होता है एक तो कोडिंग आ जाती है दूसरी प्रॉब्लम यहां पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कि यहां पर किसी भी दोस्त का अचानक से जो बैलेंस है यानी कि आपका जो क्रेडिट है वो ज़ीरो हो जाता है अब यहां पर भी जब क्रेडिट जाहिर बात है ज़ीरो होगा तो भी आपके जहन में एक परेशानी पैदा होगी भाई कि मेरे जो एसेट्स थे अब ये बाइनास पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ठीक है अदर एक्सचेंजेस पे भी हो रहा है अभी मुझे इलम में आया है कि क्रैकन में ठीक है गेट आईओ में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इवन के क्वाइन बेस पर भी कि जी उनका जो अपने एसेट्स थे वो वहाँ पे जीरो जीरो आना शुरू हो गया ठीक है और उसके बाद से दोस्तों एक प्रॉब्लम अब इनके सारे सोल्यूशन में एक साथ ही आपको बताऊंगा दूसरी प्रॉब्लम के कई दोस्तों के अकाउंट में अगर पचास से साठ डॉलर थे तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर शो होने शुरू हो गए बिलीव करें कि लो, लोगों के समझने के रंग उड़ गए कि ये पैसे इतने हमारे अकाउंट में आ किधर से गए अच्छा अब ये जो हैं पैसे ये आपके विड्रॉ नहीं होते ठीक है ये जितने भी आपको यहाँ पर पैसे शो होंगे ये विड्रॉ नहीं होंगे इसे हम काइंड kind ऑफ of क्या कहेंगे बग अब कई दो समझते हैं कि जी बग एक ही किस्म का होता है कि जी मार जो एक्सचेंज है वो चल नहीं रही तो हम उतनी देर तक स्ट्रकें देखें अगर आपके पैसे यहाँ पर कम हो जाते हैं या ज्यादा हो जाते हैं दोनों की शक्ल में आप विड्रॉल नहीं ले सकते किसी भी सूरत यहाँ पे विड्रॉल बनता ही नहीं है और मैंने ये इस वक्त जो प्रॉब्लम पेज है बायनास का वो मैंने ओपन कर रखा है आप ही दोस्तों के लिए और इसमें उसके जितने भी मसाइल हैं वो बताए जा रहे हैं अच्छा अब एक और बग है मार्केट में आपको वो टोकन शो होना शुरू हो जाएंगे जो टोकन आपने खरीदे ही नहीं है ठीक है आपने आप आप उस टोकन का नाम भी नहीं जानते लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आपके वॉलेट में आ जाएगी ठीक है और हम समझेंगे शायद कि ये कोई गिव अवे था जिसकी वजह से हमें इतने बड़े टोकन मिल गए लेकिन जब आप उन टोकन को कन्वर्ट करके सेल करने जाएंगे तो वो सेल भी नहीं होंगे किसी सूरत नहीं होंगे अच्छा उसके बाद आप देखेंगे कि अचानक से आपके स्क्रीन पर डिसअपियरिंग मैसेज आना शुरू हो जाएंगे ठीक है आप एक्सचेंज को ओपन करेंगे उसे प्ले करने यानी कि प्रेस करके ओपन करने लगेंगे वो भी डिसअपियर हो जाएगा सो गाइज ये सारे के सारे काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सचेंजेस के मसाइल हैं इसे हम बग बोलते हैं अब मोस्टली इन सारों के ऊपर एक ही जो रीज़न है वो बनती है कि आपने दोस्तों बेसिकली करना क्या है करना आपने ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन को अपग्रेड करेंगे अब एप्लीकेशन आपने कोई भी इंस्टॉल की हो ठीक है इसके ऊपर कोई मानी खेस बात नहीं क्योंकि जहरी बात है देखिए एप्लीकेशन जो है ये एक बकायदा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होती है आपने देखा होगा कि जब हम कंप्यूटर यूज़ करते थे आजकल कर लैपटॉप यूज़ करते हैं और अब हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है तो अक्सर हमारी स्क्रीन तेज़ी तेज़ी से भागना शुरू हो जाती है हमें पता ही नहीं होता कि बाजात वो अपग्रेड मांग रही होती है बाजार क्या होता है हमारे ही मोबाइल ने अपग्रेड होना होता है तो इसमें कई चीज़ें होंगी जो दरमियान में आपके लिए आने वाले दिनों में काम करने वाली हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने मोबाइल को हमेशा जब भी आपको कोई अपडेट आए कि जी मैंने आपको अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़े उतावले होते हैं इवन के मुझसे भी यह गलती हुई है दो तीन बार कि मुझे एक मैसेज आया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपग्रेड कर लें मैंने नहीं किया मैंने कहा ठीक है बाद में करूँगा मुझे अभी जरूरत नहीं है तो उसकी वजह से हमारे मोबाइल में पग आ जाता है ठीक है एक तो जब भी आपको यह मैसेज आए आप अपने मोबाइल को प्लीज़ अपग्रेड करें लाजम करें यह टाइम टेकिंग है डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं आईफोन तकीबा बात पैंतीस मिनट ले, ले लेता है कभी कभी पाँच मिनट और डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट ब्रांडेज और ब्रांड्स और जैसे कि इंडिया में इस वक्त आपने देखा होगा वहाँ पर भी ओप्पो चल रहा है पाकिस्तान में एशियन कंट्री में ओप्पो का बहुत है ओप्पो ऐसे मोबाइल दोस्तों बहुत टाइम लेते हैं अपग्रेड होने में तो जब तक वो पूरी तरह अपग्रेड ना हो जाए आप अपनी किसी भी ऐसी एक्सचेंज को यूज नहीं कर सकते यूज कर सकते हैं तो आज यूट्यूब ठीक है डेली मोशन को तो लिहाजा एक तो आपका मोबाइल अपडेट हो ये आपको बग नहीं आएंगे दूसरी चीज आपकी एप्लीकेशन भी अपग्रेड हो बाइनास यूज कर रहे हैं ओके एक्स है कोई भी है क्वाइन बेस है आपकी आपकी एप्लीकेशन आप, एप, को इतना ज़्यादा ये मैसेजेस आते हैं अपग्रेड के लेकिन हमने क्या किया होता है बाजूक हमने अपनी अपग्रेड ऑटोमेटिक अपग्रेड को हमने बंद किया होता है ये एक वैसे अच्छी चीज़ है लेकिन जिस एप्लीकेशन का आपका सबसे ज़्यादा यूज़ है उस एप्लीकेशन को आप खुद जाकर प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाकर उसे अपग्रेड करते रहें तीसरा दोस्तों यहाँ पर जो अहम है मौजू अपग्रेड के बाद आपने अपने मोबाइल की जो बेसिकली यहाँ पर यूजिज होती है उसके टैम्पलेट्स को और कुकीज़ को डिलीट करते रहें जब तक उसकी कुकीज़ और टेम्पलेट्स भरती चली जाएंगी वो भी मोबाइल के अंदर बग लेकर आती हैं और डायरेक्टली हिट करती हैं आपके एप्लीकेशन को और जब भी आप ये काम मुकम्मल कर लें एक मरतबा मोबाइल को चौबीस घंटे बाद रीस्टार्ट ज़रूर करें आपका कोई भी मोबाइल का यूज़ हो किसी किस्म का भी मोबाइल हो उसका चौबीस घंटे में एक बार रिस्टार्ट होना बनता है वो दोस्त जिनका बैलेंस यहाँ पर ज़्यादा शो हो रहा है या कम शो हो रहा है या उनके टोकन जो ज़्यादा कम हो रहे हैं या टोकन शो नहीं हो रहे अब उन्होंने एप्लीकेशन को लेकर एक सीरियस स्टेप लेना है सीरियस स्टेप ये है कि पहले तो आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर देते हैं ये मुकम्मल काम हो गया रिस्टार्ट भी हो गया आपका काम यहाँ पर नहीं सॉल्व हो रहा फिर लास्ट में आप करेंगे अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल अनइंस्टॉल करने के बाद उसे आप दोबारा इंस्टॉल करें लेकिन एक चीज़ है इस दरमियान कई दोस्तों से एक गलती हो जाती है कि वो अपना पासवर्ड पहले उनको याद नहीं होता ठीक है और पासवर्ड याद ना होने की वजह से जब वो दोबारा उसे इंस्टॉल करते हैं तो उन्हें एप्लीकेशन यूज़ करने की बजाय एक नया स्यापा देखने को मिल जाता है यानी कि एक नई मुसीबत उनको फेस करनी पड़ जाती है जो उनको तो अब अपना पासवर्ड याद नहीं है तो लिहाजा ये वो काम है लास्ट आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इंस्टॉल करने का जिससे पहले आपको हर सूरत सेपरेटली आपको अपने पासवर्ड का पता हो पता चले कि आपको यहां पे अपने पासवर्ड का नहीं पता तो आप पस सकते हैं और इसके साथ एक और चीज के अन किसी भी इंटरनेट डिवाइस को मत यूज करें अननोन इंटरनेट डिवाइसेस से आपको बेवजह की यहाँ पर कुकीज देखने को मिलती हैं जिसे हम जल्दबाजी में एक्सेप्ट कर लेते हैं ठीक है और जिस भी मोबाइल में आपके एसेट्स मौजूद हो इवन के आपका बैंक अकाउंट भी मौजूद हो उस मोबाइल पे आप बेवजह कोई ऐसा इंटरनेट यूज़ ना करें जो आपके मोबाइल का एक्सेस हासिल करना चाहे क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर यही देखा जाता है कि हम जल्दबाजी में अपना एक्सेस किसी को भी दे देते हैं ठीक है और उसका नुकसान हमें बग की सूरत में देखने को मिलता है सो गाइज ये ऑल यहां पर जो मैंने प्रॉब्लम्स आपसे शेयर की हैं, ये सारी की सारी बग हैं वो दोस्त यहाँ पे खुश बिल्कुल ना हों जिनके अकाउंट में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं शो हो रहे हैं वो कभी भी ड्रा नहीं होंगे वो दोस्त जिनके गायब हो गए हैं वो परेशान ना हों क्यों क्योंकि ये सारा अमल जो मैंने आपको बताया है ये अगर आप कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाएंगी क्योंकि ये जो एक्सचेंजेज़ होती हैं ये कोई काके नहीं है बच्चे नहीं हैं कि ये आपको मुफ्त में कोई चीज़ दे देंगे सो अपनी वेरीफ़िकेशन को ऑन रखें और हर चीज़ पर ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई है वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगली वीडियो तो अल्लाह हाफिज़